दोस्तों, आप अभी देख रहे होंगे, इतना लेट नाइट होने के बावजूद आरआरबी अहमदाबाद से एक एडिशनल पैनल आया हुआ है, जो कि आज की डेट में जहां से यूआर का टोटल 15 लड़कों का एडिशनल पैनल है और एक एसटी का है, जिसमें यूआर का कटअप देख रहे होंगे आप 65.4214 और एसटी का 47.18379। और इस चीज़ में ये क्लियरली लिखा हुआ है, एडिशनल पैनल ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी कैटेगरी नंबर 2 अगेंस्ट CN01/2018, और इन सभी छात्रों को री मेडिकल में बुलाया जाएगा, इसके लिए अंडरटेकिंग देना होगा। हमें एक चीज़ यहाँ इस बोर्ड में ये नहीं समझ में आती है, जो 24 जून को एक पैनल आया था जिसमें कि टोटल 36 टेक्नीशियन थे, उसमें आप देख रहे होंगे डीजल का कैटेगरी नंबर 34 में 12, यूआर में ओबीसी में 3, फिर कैटेगरी नंबर 47 में एससी में 4, एसटी में 1, फिर लाइटिंग कैटेगरी नंबर 49 में एससी में 4, उसके बाद 50 नंबर कैटेगरी में ओबीसी में 9, एससी में 2, उसके बाद फिर 84 नंबर कैटेगरी में एससी में 1। इतने सारे लड़कों का पैनल आया हुआ था, और उसके साथ साथ एक और थे जो कि एएलपी के कैंडिडेट थे, जिनका कि आप देख रहे होंगे मेडिकल एग्जामिनेशन 11/5/2022 यानी कि 11 मई को हुआ था, उन्हें टेम्पोररी अनफिट किया गया था और वो फिर मेडिकल फिट हुए और वो एससी के छात्र हैं, उनका ये रोल नंबर है, उनके लिए ये पैनल रिप्लेसमेंट पैनल दिया गया था। और इसको आप ये देख रहे होंगे 27 तारीख को, यहाँ पे 27 जून को ये दोनों रिज़ल्ट जो कि 24 तारीख को पब्लिश हुआ था उसको विड्रॉन कर लिया गया, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया गया। और वो कैंसिल करने के बाद आज 7 तारीख को ये टोटल 16 लड़कों का पैनल आ रहा है। तो हमें एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रहा है, जब ऑलरेडी अहमदाबाद बोर्ड में एएलपी का थर्ड डीवी आया था, सेकेंड डीवी थर्ड डीवी हुआ था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कट अप कम करके, तो यहाँ पे एडिशनल पैनल कैसे आ रहा है इस बोर्ड से? अगर इस बोर्ड को ज़रूरत है तो डाइवर्जन लिया जा सकता था, या इसमें क्लियरली लिखा जा सकता था कि कट अप डाउन हो रहा है, इस वजह से इन लोगों का फिर से रीमेडिकल हो रहा है, सॉरी पैनल दिया जा रहा है। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखो, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम, यानी कि 2019 में ही हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है। या तो ये लोग टेम्प्रोरी अनफिट हुए होंगे, या फिर कोई और, अगर किसी को कुछ जानकारी है इसके बारे में क्लियरली तो आप हमें ज़रूर बताएं, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। जो बोर्ड कहीं डायवर्जन ले रहा था वो इतने दिन तक इन छात्रों को रोक के क्यों रखा था, या फिर एडिशनल के साथ साथ इन्होंने डायवर्जन भी लिया है, डिफी डाउन किया है, तो अगर ये किसी को पता हो तो हमें ज़रूर बताएं। और कुछ बोर्ड से हमें जैसा कि पता चल रहा है जो साउथ के एरिया के हैं, जैसे कि आप लोग चेन्नई ले लीजिए, बंगलोर ले लीजिए, कलकत्ता है, इधर के 3-4 बोर्डों से कुछ कुछ डिमांड गया है और साउदर्न साइड से कुछ ज़्यादा ही गया है, तो एक्चुअली डाटा हमें अभी तक नहीं पता चल पाया है कितना गया है, लेकिन डिमांड जा रहा है, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हो रहा है, सभी बोर्डों के लिए हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। सभी के लिए उम्मीद है कि हमें रेलवे बोर्ड मानेगी, और डाइवर्जन एक रास्ता है, साथ ही साथ एक मल्टीटास्किंग रूल भी फॉलो करके हम लोगों का टेक्नीशियन का वेटिंग क्लियर किया जा सकता है। और आप ये सारे जितने भी आरआरबी अहमदाबाद के ये जो लेटर वेबसाइट पे पैनल दर्शाया गया, अगर इसमें आप लेटर नंबर देखे होंगे तो सभी का सेम है, सभी का सेम है, आप ये ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, सभी का सेम है, किसी में कोई अंतर नहीं है। तो हमें पता नहीं ऐसे क्यों हुआ है, एलपी का दे दिया गया जबकि टेक्नीशियन का विड्रॉन किया गया, तो दे देना चाहिए था साथ में या पहले देना चाहिए था, पता नहीं क्या कारण है, क्या
वजह है हमें तो नहीं समझ में आ रहा है।